हाँ भाई, क्या हाल है भैया? इस वक्त मैं एम्स्टरडम में टाइम स्क्वायर पे उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ 2019 में मैंने यही खड़े होकर वीडियो बनाई थी। इस वक्त मैं एम्स्टरडम में मौजूद हूँ और काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, जुनेद भाई बड़े मजे हैं आपके। देखिए, मजे क्रिएट किए गए, अपॉर्चुनिटीज बनाई गई हैं, तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। वरना मैं किसी और की क्या मिसाल दूँ। 2015 में मेरे पास रहने को जगह नहीं होती थी। शारजा इंडस्ट्रियल एरिया 12 नंबर पे जाके पूछे, ट्रकों के बीच में अपनी गाड़ी छुपा के रात को वहाँ सोता था। तो उस वीडियो में मैंने समझाया था कि भाई, एक मिडिल क्लास आदमी को मज़े प्लेट में रख के या दादा बू वसीयत में देके नहीं जाते, मज़े क्रिएट करने पड़ते हैं, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। अंतक मेहनत, दिन रात मेहनत, काम धंधा, ये वो, सेविंग प्लानिंग, खाब देखने पड़ते हैं, तब जाके बंदा यहाँ पहुँचता है, तब जाके अमली जाम और पजामा पहनाता है। लेकिन वो जो है ना, लोग ऐसे समझते हैं हर चीज़ प्लेट में मिल जाती है। खैर, वो वीडियो जब मैंने बनाई उस पर कोई तकरीबन 4.5 मिलियन व्यूज़ माशाल्लाह आए, और उसके नीचे बड़े कमेंट आए कि जी बस ये वीडियो देख के बड़ी हिम्मत मिली, आई एम वर्किंग ऑन माय स्टार्टअप, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। तो भैया, ये फॉलो अप वीडियो है उसकी 3 साल बाद की। कमेंट में ज़रा बताओ कि उस वीडियो को देख के जो वादा किया था मुझसे या अपने आप से, कहाँ पहुँचा वो स्टार्टअप स्टार्ट किया, या वो प्रपोजल भेजा, या वो माइग्रेशन की, किधर है वो, नीचे कमेंट में आके बताएं। वाई? बिकॉज आप मेरे बहन भाई जैसे हो, मुझे फिक्र रहती है, ख्याल रहता है, तो ज़रा अपडेट लेने आओ। दूसरा, उस वीडियो के टाइम कोई गोल सेट किया था? अगर किया था तो आज वो गोल कहाँ है, पहुँचा नहीं पहुँचा, ये भी बताएं। मैंने भी एक गोल सेट किया था अपने लिए। वो पीछे रोड है, उसके एंड में टेस्ला का एक शोरूम हुआ करता था, वो रिलोकेट हो गया। मैं ज़िंदगी में पहली बार टेस्ला वहाँ देखी, और जब मैं बैठा, दिमाग शार्ट भाई, क्या चीज़ बना दी इलॉन मस्क ने। तो मैंने अपने आप से वादा किया कि 3 सालों में कम वॉट में आई हैव टू हैव अ टेस्ला। अब उस 3 साल में से 2 साल तो कोविड खा गया, आपको पता ही है, ठीक है। अब उसमें मैं बैठ जाता हाथ पे हाथ रख के कि यार कोविड आ गया है, तो अब तो पेंडेमिक है, तो खाप, अबे खली वल्ली भाई, दुनिया में तो मसले चलते ही रहेंगे भाई, दुनिया के मसले, घर के मसले, मुल्क के मसले, ये कभी ख़त्म थोड़ी होंगे, तो मसलों को देख के नहीं बैठना होता। खैर, 3 साल में आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन अ पोजीशन दैट आई कैन गेट वन। अब मसले टेस्ला रखूँगा, कराची में तो UPS चार्ज नहीं होता, गाड़ी कहाँ से चार्ज होगी, बिजली नहीं आ रही, और इंग्लैंड में मेरा इतना अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं गुजरता, बट एटलीस्ट फाइनेंशियली मैं वहाँ आ गया हूँ, ठीक है। गोल सेट किया था, आज यहाँ खड़ा हूँ, अब कोई और गोल है। तो गोल क्या है ज़िंदगी का? कोई डायरेक्शन है, कोई फोकस है, या ऐसी बस खली वली चल रहे हो? ज़िंदगी में ऐसे नहीं चलना भाई। अच्छा, दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि टाइम्स आर वेरी टफ इन पाकिस्तान, ख़ास तौर पर मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, पता ही नहीं है कहाँ जाना है, और कैसे पता हो, इंडस्ट्री नहीं है। जो कंपनियाँ थी जहाँ पे बंदे बच्चे एम कर रहे थे कि जाना है, वो कंपनियाँ छोड़ छोड़ के जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, मसले मसाइल हैं, आबादी फट फट के कहाँ निकल गई है, टाइम्स आर वेरी टफ। लेकिन ये टाइम अच्छे तो कभी थे भी नहीं, बुरे से बुरे होते जा रहे हैं, अच्छे तो कभी भी नहीं। तो इसमें ना देखें, जब आप ये करते हो ना, इमरान खान ये करके चला गया, या शहबाज शरीफ से ये नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि आप अपने आप से जिम्मेदारी हटा के दूसरे पर डाल रहे हो। जहाँ आपको लगे कि आपका एटीट्यूड इस तरह का हो गया है ज़रा, कि आप दूसरे पे डाल रहे हो, ऑफ सीन है ब्रो, यू आर द बेनिफिशियरी ऑफ योर ओन हैप्पीनेस, आपके पास ना आप खुद हो और कोई नहीं। तो ये बात मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि यार, अब ये मसले तो चलते ही रहेंगे, महंगाई भी चलती रहेगी, पेट्रोल भी ऊपर जाता रहेगा, डॉलर भी जाता रहेगा। अब इसमें बंदे आपके दो चॉइस, या तो हाथ पे हाथ रख के बैठ के ब्लेम करो, खली वली ब्लेम से किसी का पेट नहीं भरता, या फिर टेक अफर्मेटिव एक्शन, निकलो और घुस के पड़ जाओ। जितना मुश्किल है भाई, मैं कहता हूँ ज़िंदगी में यो बन जाओ, जितना किस्मत, किस्मत कह लो, हुकूमत कह लो, मामलात कह लो, नीचे ज़ोर से फेंके, उचक के वापस ऊपर आ जाओ, यो बन जाओ ज़िंदगी में, हल्ली वल्ली बोलो भाई मैं खुद करूँगा जो करना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, पाकिस्तान, हम पाकिस्तान नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान को तो एड मिल जाती है, कभी IMF से, कभी सऊदी से, कभी इमारात से, कभी चाइना से, पाकिस्तानी को कुछ नहीं मिलता कि फुप्पे ने दे दिया, मामू ने दे दिया। अब भाई जो करना है खुद करना है, ठीक है, तो अपने आप के साथ मुखलिस हो जाओ, अपने आप से मुखलिस। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अक्सर कमेंट आ रहे हैं जब से स्टोरीज बना रहा हूँ, या जुनेद भाई आप अकेले घूम रहे हो, खैरियत तो है? तो भाई मैं कुछ दिन अकेले हूँ, फिर बाद फैमिली बाद में ज्वाइन करेगी। उसका मकसद ये है कि यार, हम अपने साथ तो टाइम गुजारना ही छोड़ दिया है, उसकी वजह है कि हम अपने दोस्त ही नहीं है। मैं सबको ये समझाता हूँ यार, अपने बेस्ट फ्रेंड बनो सबसे पहले ज़िंदगी में। जब आप अपने आप से मुखलिस होना शुरू हो जाओगे ना, आप फिर वो खलूस आगे भी बांट सकते हो। इसको इस तरह समझाता हूँ, आप कभी भी अपने बेस्ट फ्रेंड को गलत मशवरा नहीं देते। आपने देखा होगा ना, अगर आपके दोस्त का रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, तो आपके पास टाइट मशवरे उसके लिए होते हैं, अपनी बेशक एल चढ़ी भी हो, समझ रहे ना, रिलेशनशिप के इधर उधर जा रही हो, मगर आप मशवरा सही देते हो दूसरे को। तो इसी तरह जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाते हो, तो आप अपने आप को कभी धोखे में नहीं रखते कि नहीं मैं ऐसे कर लूँगा तो ऐसे हो जाएगा, नहीं इंशाल्लाह मैं कल तैयारी, कल उठ के पढ़ लूँगा मैं, ये जो धोखा हम देते हैं ना, नहीं इंशाल्लाह कल अप्लाई कर लूँगा जॉब को, अभी रात बहुत हो गई है,
जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड होते हो तो फिर आप कहते हो नहीं भाई जो करना है आज करना है, खली वल्ली कुछ भी हो जाए, पहाड़ टूट जाए, बारिश हो जाए, फ्लड आ जाए, जलजले आ जाए, मैंने खुद करना है, ठीक है ना। तो अपने आप के बेस्ट फ्रेंड बनना सीखे। हाँ कुछ दिन मैं यहाँ हूँ, दिमाग क्लियर कर रहा हूँ। और जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं आपको पता ही है मैं सारे संडे काम ही कर रहा होता हूँ, उसकी वजह ये कि मैं माई आइडिया ऑफ वीकेंड, देखें सबका वीकेंड का डेफिनेशन डिफरेंट होगी, मैं अपनी मर्जी दूसरे पे नहीं थोपता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं बोर्ड बेसन के नाले के ऊपर बैठ के कढ़ाई खाऊं, ये मेरा वीकेंड है। हल्ली वल्ली भाई मैं सारे संडे काम कर लेता हूं, जो इंस्टाग्राम वाले उनको पता है, और मैं वो सारे संडे जमा करके यहां घूम लेता हूं। अभी मैं आराम से पीछे बैठा हुआ था, एक भाई इधर बेहतरीन पियानो बजा रहा था, मैं आराम से अपनी फ्रैपचिनो पी रहा था, और मैं बस एमलेसली घूम रहा हूँ। जब से आया हूँ कभी उस गली में चला जाता हूँ, कभी उस मोहल्ले चला जाता हूँ, ज़्यादा थक जाता हूँ होटल जाके लेट जाता हूँ। हल्ली वल्ली तो अपने आप के साथ दोस्ती करना सीखे। अब ये हर जाहिर है, आई अंडरस्टैंड, आई एम कमिंग फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ प्रिविलेज, अब हर किसी के पास ये प्रिविलेज नहीं है, लेकिन मेरे पास भी नहीं थी आज से 10 साल पहले। खुदा की कसम, आई यूज़ टू हेट माई जॉब जस्ट एज मच एज यू हेट योर जॉब राइट नाउ। वो लोग पूछते हैं ना जी आपकी नज़र में हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है, तो मेरी डेफिनेशन ये है कि अगर आप मंडे को सुबह उठ रहे हो एंड इफ़ यू आर हेटिंग योर लाइफ, दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग द बेस्ट थिंग। क्योंकि इफ़ यू हेट योर जॉब जहाँ पे आप 5 दिन या 6 दिन 8 घंटे गुजार रहे हो, तो फिर बचा गया आपके पास लाइफ में, तो हैप्पीनेस वो नहीं। तो मैं आई वॉज अनहैप्पी एट माई जॉब, तो मैं booking.com पे क्या करता था, ये टी ब्रेक मिलता था ना, तो booking.com पे मैं जाता था और वहाँ पे रैंडम शहरों के नाम, जैसे एम्स्टरडैम का डाला, ये जितने होटल हैं ना इधर पीछे उधर उस गली में वेस्ट इन है, इतना महंगा होटल, मैं उसके कमरे देखता रहता था और मैं सोचता था कभी मैं यहाँ जाऊँगा। और मैंने ना वो अपने अंदर घुसा लिया कीड़ा, यार मुझे जाना है, मुझे किसी तरह यहाँ पहुँचना है। और फिर उसके लिए जाहिर है जितनी मेहनत करनी पड़ी, जितने मरहलों से गुजरना पड़ा, देखिए वो कहते हैं ना अ स्मूथ सी नेवर मेक्स अ गुड सेलर, तो ज़िंदगी में अगर अच्छा करना है तो भाई जितनी सख्तियों से जाएगा उतना ही अच्छा निकलेगा मवाद आगे से। अभी मेरा अभी एक भाई मुझसे तस्वीर खिंचवा के गया है, थर पार्कर का लड़का, एरास्मस स्कॉलरशिप पे आया हुआ है, वो थर में बैठा हुआ था। तुम तो फिर कराची लाहौर इस्लामाबाद में बैठे हो, थर में वो बोलता है यार मेरे तो माँ बाप सारा दिन तो सुबह पानी लेने जाता, शाम को आता, उसके बाद तो पेरेंटहुड का टाइम ही नहीं बचता, और मैं कब पढ़ाई करूँ कब करूँ। अगर वो ये सोचता तो थर में ही पड़ा रहता। उसने बोला खल्ली वल्ली भाड़ में जाए भाई, अब ये तो अब रेगिस्तान में तो अगले दिन तो स्प्राउट नहीं कर जाएगी ना, कोई फॉरेस्ट तो नहीं बन जाएगा ना, यही रियलिटी है। इस रियलिटी में रह के मैं क्या कर सकता हूँ। वो बच्चा थर से निकला, मैं उसका इंटरव्यू ज़रूर करता, वो ज़रा जल्दी में था, तो वो जो है एरास्मस स्कॉलरशिप पे यहाँ एम्स्टरडैम में आया, खुला घूम रहा था, एंजॉय कर रहा था। या तो वो भी आपकी तरह हाथ पैर हाथ का दर्द है, यार मैं तो थर में बैठा हूँ तो बिजली नहीं आती। मतलब कराची से आप किसी भी डायरेक्शन में 3 घंटे ड्राइव करें, 16th century है, अबे 16वीं सदी है, वहाँ इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, अबे पानी नहीं है, जहाँ से कुत्ता पानी पी रहा है वहाँ से इंसान पानी पी रहा है। अगर वो ये बोलता, बहाने करता, बहाने नहीं करने ज़िंदगी में, बस ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, पॉइंट यही था कहने का कि मेरे आज को अपने आज से कंपेयर ना करें, मेरे 10 साल पहले को आज से कंपेयर करें तो ज़रा बैलेंस रहेगा। कंपेरिजन आपने सिर्फ अपने कल से करना है, दैट्स दी ओनली वैलिड कंपेरिजन यू हैव इन लाइफ। अपने आप को येस्टरडे से कंपेयर करो और फिर आगे देखो, इंशाल्लाह आगे ही जा रहे होगे। असल में ग्राफ वो गूगल में खोलते हैं ना चार्ट, तो इतना नहीं लगता, लेकिन अगर 10 साल का खोलो तो ये ट्रेजेक्ट्री जा रही है, तो आपकी भी ऐसी ही होगी अगर तो आप मेहनती हो, अपने ऊपर बिलीव करते हो। अब मैं मानता ही नहीं इस चीज़ को, अल्लाह किसी को खुडे लाइन नहीं लगाता जब तक वो खुद ना लगना चाहे। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो, अपने आप से मुखलिस हो, अच्छे इंसान हो, चैरिटी करते हो, लोगों का ख्याल करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता आप कभी नाकाम रहोगे। तो अपनी ज़िंदगी में ये ट्रेड्स बना लो। ये एम्स्टरडैम ये किसी खेत की मूली नहीं है यार, ये यूँ इसी पासपोर्ट पे, अबे जिस पासपोर्ट पे घुसने को नहीं मिलता नेपाल में, उसी पे आया हूँ मैं यार, अभी होता जेब में दिखाता, उसी पासपोर्ट पे आया हूँ। तो वरना तो बहानेबाजी रहेगी भाई ज़िंदगी भर के, जी पेंडेमिक आ गया, खान साहब से ये नहीं हुआ, शहबाज ने ये कर दिया, महंगाई हो गई, हो गया, वो हो गया। आई एम नॉट डिनाइंग के प्रॉब्लम्स नहीं है, मगर इन प्रॉब्लम से ही निकलना है, सोल्यूशन इन प्रॉब्लम से ही निकल के आगे आएगा, वो समंदर क्रॉस करना ही पड़ेगा जैसे भी करना है। तो हिम्मत नहीं हारना, जहाँ भी हो खुश रहो, मेहनत करो, ये सब बाएँ हाथ का खेल है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह पे ईमान रखो और मेहनत करो, हिम्मत नहीं हारो, अच्छे इंसान बनो और दिल साफ रखो, जेलसी निकाल लो, ये छोड़ दो वो उसने क्या पहना हुआ, वो कहाँ घूम रहा है, अपने आप को देखो और अपने आप को यहाँ से इम्प्रूव करो, ये लेंस अच्छा कर लो, चश्मा साफ कर लो, ज़िंदगी का सब खूबसूरत लगेगा, मजाक से। चलो अपना ख्याल रखो, हिम्मत नहीं हारना, अल्लाह साथ है, ख्याल रखो, अल्लाह हाफ़िज़।